ऑस्ट्रेलिया को मिली शर्मनाक हार, टीम इंडिया को मिले कई नए सुपरस्टार। जी हां, इंदौर के होलकर स्टेडियम में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को चारों खाने चित कर शिकस्त दी और तीन वनडे मैचों की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त भी बना ली और सीरीज अपने नाम कर ली और साथ ही ये सुनिश्चित कर दिया कि अब वर्ल्ड कप में जाते समय भारतीय टीम नंबर 1 ओडीआई साइड बनी रहेगी। अगर आज के मुकाबले की बात करें तो एक के बाद एक भारतीय टीम के लिहाज से जो है वो सुपरस्टार परफॉर्मेंस आते रहे। बल्लेबाजी की बात तो आपसे हमने की थी, इस वीडियो में भी करेंगे, लेकिन पहले जो है बॉलिंग की बात कर लेते हैं। अगर बॉलिंग की बात की जाए तो बारिश ने मौसम और माहौल खराब जरूर किया था, लेकिन उसे और खराब ऑस्ट्रेलिया के लिए भारतीय गेंदबाजों ने कर दिया। भारतीय गेंदबाजों को, खासतौर पर स्पिनर्स को, विकेट से मदद मिली, थोड़ी सी टर्न दिखी और वहां पर रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा ने विकेटों की झड़ी लगा दी। बॉल जो है वो इतनी घूम रही थी कि ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज ये नहीं समझ पा रहे थे कि कौन सी गेंद अंदर आएगी और कौन सी बॉल बाहर जाएगी। कैरम बॉल पढ़ने की बात तो बहुत दूर की है। इंदौर वनडे में रविचंद्रन अश्विन ने 7 ओवर में 3 विकेट झटके, तो वही रविंद्र जडेजा ने 5.2 ओवर में 3 विकेट लिए। इसके अलावा अगर बात की जाए तो प्रसिद्ध कृष्णा ने शुरुआती 2 सफलता भारतीय टीम को दिलवाई और मोहम्मद शमी ने भी 6 ओवर में 1 विकेट अपने नाम किया। भारतीय बॉलर्स की मेहनत की जितनी तारीफ करें ना उतनी कम होगी। फील्डिंग में इंडियन टीम को परेशानी जरूर हुई, जहां पर शार्दुल ठाकुर ने और ऋतुराज गायकवाड़ ने 1-1 कैच ड्रॉप किए, लेकिन इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के किसी भी बल्लेबाज को जो है वो भारतीय गेंदबाज जो है ना काफी आसानी से परेशान कर रहे थे। डेविड वार्नर ने यहाँ पर 53 रन की पारी खेली और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के अबॉट ने 54 रन जो है वो सबसे ज्यादा बनाए। भारतीय बल्लेबाजों की बात करें तो भारतीय बल्लेबाजों ने आज 399 का पहाड़ जैसा स्कोर इंदौर के होलकर स्टेडियम में बनाया। विकेट थोड़ी फ्लैट थी, लेकिन इसका पूरा फायदा शुभमन गिल ने उठाया और साथ ही श्रेयस अय्यर ने भी उठाया। इन दोनों ही बल्लेबाजों ने शतक जो है वो जड़े और जो है ना काफी सारे रन यहाँ पर बनाए और ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स को भनक तक नहीं लग पाई कि क्या करें जिससे भारतीय बल्लेबाजों के रनों की जो रफ्तार है ना वो कम होगी। इसके अलावा अगर बात करें तो कप्तान केएल राहुल ने 52 रन की पारी खेली और सूर्य कुमार यादव ने 37 गेंदों पर नाबाद 72 रन की पारी खेली। सूर्य कुमार यादव ने आज रॉकेट वाला अवतार जो यूजुअली वो T20 में दिखाते हैं वो आज वनडे क्रिकेट में दिखाया और क्या शॉट्स खेले। एक के बाद एक जो है ना जो भी बॉल जहां पर भी आ रही थी वहां से उठाकर जो है वो बाउंड्री पार करवा रहे थे और देखने में काफी मजा आ रहा था। इंडियन टीम ने 399 बनाए थे, 400 का टारगेट ऑस्ट्रेलिया को जरूर मिला था, लेकिन बारिश की वजह से ये टारगेट जो है वो छोटा हो गया था। मुकाबला जो है वो 33 ओवर का कर दिया गया था, जब 9 ओवर का खेल हो चुका था ऑस्ट्रेलिया की पारी की मैं बात कर रहा हूँ तो वहां पर बारिश ने खलल डाला। करीब करीब 1.5 घंटे का वक्त जो है वो खराब हुआ और इसके बाद जो है 33 ओवर का मुकाबला हो गया, जिसमें DLS स्कोर के थ्रू जो है टारगेट ऑस्ट्रेलिया का 317 रन का हो गया, लेकिन इस टारगेट से 99 रन कम ऑस्ट्रेलिया ने बनाए और ओवर्स भी पूरे नहीं खेल पाए। 33 ओवर की जहां तक अगर बात की जाए तो 28.2 ओवर में ही पूरी की पूरी ऑस्ट्रेलियाई पारी जो है वो सिमट गई। मुकाबला इंदौर में था और अगला मुकाबला अब राजकोट में 27 तारीख को है, जहां पर रोहित शर्मा, विराट कोहली, हार्दिक पंड्या और कुलदीप यादव और साथ ही जसप्रीत बुमराह की वापसी होगी, यानी कि सभी सीनियर प्लेयर्स वर्ल्ड कप से पहले टीम के साथ जुड़ जाएंगे। तो देखना ये होगा कि क्या यंगस्टर्स को मौका सिर्फ यही तक था या ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आखिरी मुकाबले में भी उनको मौका दिया जाएगा और सीनियर प्लेयर सीधा वर्ल्ड कप के वार्म अप मैचेस में वापसी करेंगे क्या। मुझे लगता है कि राजकोट में जो है वो आपको फुल फ्लेज्ड इंडियन टीम देखने को मिलेगी, जो वर्ल्ड कप में इंडियन टीम की पहले 11 खिलाड़ी होंगी, जो मेन प्लेइंग 11 होगी वो खेलती हुई दिखेगी। लेकिन यंगिस्तान ने केएल राहुल की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया को सीरीज में जो है वो चित कर दिया है और ये इंश्योर कर दिया है कि इंडिया नंबर 1 टीम के तमगे के साथ ही वर्ल्ड कप में एंटर करें।